का महीना भगवान भोले की असीम कृपा का महीना माना जाता है। और इस महीने में जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ के रूप में आते हैं, भगवान भोले को प्रसन्न करते हैं, वहीं मंदिरों में भी अलग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा होती है, आराधना होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया भगवान शिव को एक ही नाम से, एक ही रूप से उनकी पूजा अर्चना करती है, उसी रूप का वंदन करती है। सावन के महीने में भगवान शिव की क्या महिमा है और किस तरह पूजन किया जाता है और किस तरह ये पूजन फलदायी होता है, उसके लिए हमारे साथ परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरिजी महाराज हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि सावन में कितनी महत्ता होती है भगवान शिव की पूजा की। महाराज जानना चाहेंगे, जिस तरह देखा जाता है कि सावन का महीना जो भगवान शिव का महीना माना जाता है, कितनी महिमा होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर के इस स्वरूप का वंदन दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो असुर संस्कृति का हो चाहे वो देव संस्कृति का हो, सभी स्वरूप को स्वीकार करते हैं। इसके पीछे एक हेतु है। भगवान शंकर का नाम है शिव, आशुतोष, भोलेनाथ। आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले, और शिव का मतलब होता है सबका कल्याण चाहने वाले, सबका कल्याण करने वाले। तो जब हम नमः शिवाय करते हैं तो शिवाय नमः, हम शिव को नमस्कार करते हैं, माने जो सबका कल्याण चाहते हैं उनको, हम उस शक्ति को नमस्कार करते हैं। कई लोग ब्रह्मा जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, अन्य देवताओं को मानते हैं समयानुसार, लेकिन सर्वकालिक रूप से भगवान शिव की वंदना इसीलिए की जाती है कि वो देव नहीं है, वो महादेव है। देवाधिदेव महादेव, जो सबके ऊपर हैं, जो सबके ऊपर चल करके सबका मंगल करते हैं, इसीलिए उनका नाम महादेव है। ये श्रावण का महीना है और इस श्रावण में इस बार 5 सोमवार हैं। बड़ा ही अभूतपूर्व ये संयोग है। भगवान शंकर को सोमवार के दिन या पूरा श्रावण उनके अधिकार क्षेत्र में रहता है। कारण, क्योंकि अब देवता लोग देवसैनी एकादशी को सो गए और सर्वाधिकार भगवान शंकर को प्राप्त हैं। जो भगवान शंकर का यजन मनन करेंगे, भगवान शंकर सब विधि उनका मंगल करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि देव और असुर जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के समय में सबसे पहला निकला जहर, और आज जैसे दुनिया भर में विस्फोटक सामग्रियां तैयार हैं, अणु बम, परमाणु बम और बड़े बड़े शस्त्र साधन आज विश्व में सबके पास हैं, लेकिन अब सब लोग निरस्त्रीकरण की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें अच्छे भी मरेंगे, बुरे भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। जो अपने को बचाने के लिए जिसने अणु परमाणु बनाए हैं वो भी नहीं बचेंगे, और जिनके पास नहीं है वो भी नहीं बचेंगे। सभी लोगों के पास हैं और सभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि हम परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करें, क्योंकि हम भी मरेंगे। तो इस तरह से देव और दानव दोनों ने मिल करके भगवान शंकर के चरणों में जाकर प्रार्थना की। भगवान शंकर ने पूछा, क्या है? बोले, प्रभु सब विश्व नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये समुद्र मंथन से विष निकला है, हलाहल विष। भगवान शंकर ने अपनी प्रिया पार्वती जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। ये सदगृहस्थ का एक परम कर्तव्य है अपने परिवार को अच्छा चलाने के लिए,
लेकिन हमारे यहां लिखा है जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शंकर और माँ पार्वती जगत के माता पिता हैं। और कौन ऐसा माता पिता है जो अपने बच्चों का भला नहीं चाहते, बच्चा भला हो या बुरा हो। भगवान शंकर ने जब यह प्रस्ताव अपनी धर्म पत्नी माँ जगदम्बा के सामने रखा तो जगदम्बा जी ने कहा कि ये तो आपकी ड्यूटी है इनकी रक्षा करना। इसका मतलब अपने पति को कहा कि तुम इन सबके मंगल के लिए जहर पियो। दूसरी कोई पत्नी होती, स्त्री होती, तो वो अपने दरवाजे से इनको भगा देती कि मेरे पति को जहर पिलाकर मारने आए हो। ये जो कल्याणकारी भावना है, शिव की भावना है, इस भावना को साक्षात देवताओं ने भी देखा और दैत्यों ने भी देखा कि भगवान शंकर ने सबके हित के लिए जगत जिताए। उन्होंने उस हलाहल विष का पान किया और वो विष अपने गले तक, कंठ तक ही रखा, इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो ऐसे करके भगवान शंकर ने सबके मंगल के लिए जो काम किए हैं, इसीलिए उनको देवता भी मानते हैं, उनको दैत्य भी मानते हैं। और किसी भी संस्कृति का मानने वाला कोई भी आज हो विश्व के धरातल पर, वो भगवान शंकर के इस शिव स्वरूप को स्वीकार करता है। और इसीलिए आजकल गंगा जल लेकर के, क्योंकि माँ भगवती गंगा जब पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले उनकी शर्त थी कि मैं पृथ्वी पर आते ही और सबसे पहले मेरे वेग को कौन रोकेगा, और मैं तो पाताल में चली जाऊंगी, तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। भागीरथ की भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहा गया, भगवान शंकर आशुतोष हैं और वो प्रसन्न हुए। और माँ भगवती गंगा जो विष्णुपदी हैं, भगवान विष्णु के पद से जिनका आगमन हुआ है, ब्रह्मा के कमंडल में आई हैं और ब्रह्म कमंडल से भगवान शंकर की जटाओं में आकर उलझ गई। उन्होंने धारण किया क्योंकि वो विष्णुपदी हैं, भगवान विष्णु का चरणामृत है वो। तो भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया और वही धारण की हुई गंगा जल पृथ्वी में भगवान शंकर ने दिया, लेकर के गंगोत्री से और गंगा सागर तक, गंगा के प्रवाह से जो भी जुड़ा, तब से लेकर आज तक गंगा सबका मंगल ही करती हैं, कल्याण ही करती हैं, क्योंकि वो शिव की जटाओं से और नीचे आई हैं। भगवान शंकर का स्वभाव है सबका मंगल करना, ऐसी विष्णुपदी गंगा भी सबका मंगल करते हुए आगे चलती हैं। तो आजकल श्रावण के महीने में कांवड़िए जाते हैं गंगा जल लेकर के, जहां जहां भी धरती के किसी कोने में, देश में, विदेश में, सब जगह जहां भी भगवान शंकर के मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, वहां पर कांवड़िए जाकर जल चढ़ाते हैं, इस भावना से कि हमारा देश सुखी रहे, हमारा समाज सुखी रहे और भगवान शंकर की कृपा सबको मिले। इस भावना से पूरी दुनिया के लोग भगवान शंकर को एक रूप में स्वीकार करते हैं। एको देवो, एक ही देवता है जो सब में व्यापक होकर के सबके मंगल की कामना करता है। इसलिए भगवान शंकर को हम सब लोग उसी तरह वंदन करते हैं, क्योंकि वो त्यागी हैं, विरागी हैं, भोले भी हैं वो और भाले भी हैं। कोई संसार के लोगों का अमंगल करने के लिए अगर क्षति पहुंचाने का भाव रखता है तो उनके पास भाला भी है, और वैसे तो उनके भाले में भी तीन अंकुर हैं, तीन शूल हैं, और वह त्रिशूलधारी भगवान शंकर जगत हित के लिए हमारे यहां दिया कि जो त्रिशूल है वह अभी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का समाप्त करने वाला है। उनके गले में नाग है, क्योंकि हमेशा काल आपके सिर पर रहता है, पता नहीं रहता है। तो भगवान शंकर ये बताना चाहते हैं, काल गए सिर केस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश, इसलिए काल को सदा याद रखो, समय को सदा याद रखो, समय से बलवान कोई नहीं होता है। भगवान शंकर
का जो परिवार है कितना सुखद है। एक बेटा उनका गजानन, एक बेटा उनका खडानन, माँ जगदम्बा जगत पूज्य, वृषभ धर्म का अवतार, ये सब कुछ उनके आसपास रहते हैं, इसलिए कि इन सब चीजों से जगत का भला होता रहे। भगवान शंकर के सुपुत्रों द्वारा राक्षस का वध हुआ और इसके बाद गणेश जी का वंदन पूरे विश्व में, कभी भी कोई अच्छा कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। ऐसे भोलेनाथ जो सबका मंगल चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत, ऐसे श्रावण के महीने में हम उनका वंदन करें, पूजन करें और बिल पत्र आदि से उनका अभिषेक करें। यही इस महीने की सबसे बड़ी व्यवस्था है भगवान शंकर के लिए, क्योंकि जब ये हम करेंगे भगवान शंकर खुश होंगे, आशुतोष हैं वो, तो सबके मंगल के लिए सदा प्रसन्नता हम सबको देंगे और वो स्वयं भी प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद देंगे। यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि जगत के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भगवान शंकर की कृपा हम सबको सदा चाहिए। वाकई जिस तरह स्वामी जी ने बताया है कि भगवान भोले भाव के भूखे होते हैं, भले ही उनके भक्तों को कोई पूजा विधि नहीं आती हो, लेकिन बम भोले या जय भोले या भोले शंकर की जय, उसके साथ भी जल चढ़ा दें तो पूरा आशीर्वाद उनका उनके परिवार पर बना रहता है। और सावन का महीना इस बात का विशेष महत्व रखता है कि भगवान शिव, देवों के देव महादेव, अपने हर भक्त और श्रद्धालु पर मेहरबान रहते हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।